फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टैग एफ सी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ लेकर आए हैं जो कि इंडिया के स्मार्टफोन 4G JioPhone से रिलेटेड हैं। रिलायंस के 4G JioPhone के लिए रिकॉर्ड तौर बुकिंग हुई है। कंपनी का कहना है कि पहले ही दिन 60 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स ने इस फीचर फ़ोन के लिए बुकिंग की है। वहीं 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने JioPhone को बुकिंग के लिए रुचि दिखाई है। JioPhone की बीटा टेस्टिंग 15 अगस्त और प्री बुकिंग 24 अगस्त से शुरू हुई थी। देश भर से कस्टमर्स ने JioPhone के लिए बुकिंग की है। मेट्रो और छोटे शहरों के उपभोक्ताओं ने JioPhone की बुकिंग के लिए समान तौर पर रुचि दिखाई है। बिना देरी के कस्टमर्स के हाथों में जल्द ही JioPhone पहुँचाया जाएगा। कंपनी के मुताबिक फ़ोन की बुकिंग की प्रक्रिया को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है ताकि ग्राहकों को असुविधा ना हो और बिना देरी के उनके हाथों तक JioPhone पहुंच सके। जल्द ही बुकिंग प्रोसेस को फिर से शुरू किया जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्री की 40वीं एनुअल जनरल मीटिंग में कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने 4G फोन को फ्री देने की घोषणा की थी। कंपनी ने इसे इंडिया का इंटेलिजेंट स्मार्टफोन नाम दिया है। फ़ोन में 2.4 इंच QVGA डिस्प्ले, FM रेडियो, टॉर्च लाइट, SD कार्ड स्लॉट और 4-way नेविगेशन सिस्टम है। फ्रेंड्स, यूजर्स JioPhone को ना सिर्फ स्मार्ट टीवी बल्कि किसी भी टीवी से कनेक्ट कर पाएंगे। यह पुराने CRT मीन्स कैथो रे ट्यूब टीवी से भी कनेक्ट हो जाएगा। इसके जरिए यूजर्स जियो ऐप्स पर मौजूद कंटेंट अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो इंडिया के स्मार्टफोन 4G JioPhone से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और जल्द से जल्द इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए जिससे उनको भी इस हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले। ऐसी ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो के लिए आप हमारे चैनल टैग FC को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुलाकात होती है आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।